हेलो जैन दोस्तों, मैं राहुल सिंह राहुल वाईफाई स्टडी में आप सभी लोग का बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। फ्रेंड्स, आज 25 जून 2021 और 25 जून 2021 में महत्वपूर्ण खबर लेकर मैं आपके समक्ष आ चुका हूँ उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती प्रोन्नति बोर्ड के संबंध में। जी हाँ, नई 50,000 पदों के भर्ती के संबंध में कांस्टेबल भर्ती के संबंध में बड़ी खबर लेकर मैं आपके समक्ष आ चुका हूँ। जैसा कि योगी सरकार ने पहले ही ऐलान कर दिया है कि अब बचे हुए 5 से 6 महीने में हम 1,00,000 पदों पर भर्ती करेंगे, उत्तर प्रदेश में सरकारी नौकरी देंगे उत्तर प्रदेश के युवाओं को लेकर। उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयनों के माध्यम से, उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के माध्यम से, उत्तर प्रदेश उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग के माध्यम से और उत्तर प्रदेश जो है अधीनस्थ सेवा चयनों के साथ साथ उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती प्रोन्नति बोर्ड के माध्यम से भर्ती दी जाएगी। आगे बढ़ने की खबरों में दिखाएंगे पूरी खबर आपको। उससे पहले चैनल पर नए चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकॉन की घंटी प्रेस कर लें ताकि उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती प्रोन्नति बोर्ड की प्रत्येक महत्वपूर्ण खबर जो आपके लिए उपयोगी हो सबसे पहले आपके मोबाइल हैंडसेट पर राहुल वाईफाई चैनल के माध्यम से पहुँचा जा सके। जिले भर खबरों वक्त आगे देखते हैं पूरी खबरें यहाँ से इंपॉर्टेंट खबर। फ्रेंड्स, आप सभी लोग देख सकते हैं, दिसंबर तक 50,000 पुलिसकर्मियों की भर्ती, योगी आदित्यनाथ, है ना। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि भर्ती प्रक्रिया में जो भी व्यक्ति धांधली करेगा उसके खिलाफ राष्ट्रीय सुरक्षा कानून रासुका के तहत कार्रवाई होगी, सारी संपत्ति जब्त की जाएगी। योगी ने कहा कि दिसंबर तक 50,000 और पुलिसकर्मियों की भर्ती की जाएगी, इसकी प्रक्रिया सितंबर से शुरू कर दी जाएगी। इस भर्ती की 20% सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित रहेगी। गोरखपुर, बदायूं और लखनऊ में PSC की नई महिला बटालियन में बेटियों को नियुक्तियाँ प्रदान की जाएंगी। मुख्यमंत्री ने टेराकोटा पार्टी को खाद्य प्रसंस्करण विधेयक एक जनपद एक उत्पाद के समिट में कहा कि कोई काम छोटा या बड़ा नहीं होता है, हमारा दृष्टिकोण ही उसे छोटा या बड़ा बनाता है। इसके साथ साथ मुख्यमंत्री ने कहा कि पुलिस विभाग में 1,30,000 युवाओं को नौकरी देनी थी, जिसमें से 41,520 और 49,569 भर्ती पूरी हो चुकी है, 69,000 शिक्षकों की भर्ती प्रक्रिया भी पूरी हो चुकी है, 50,000 पुलिस कर्मियों की भर्ती भी हो जाएगी, बाकी की खाली पदे पर भी कुछ महीने के अंदर भर दिए जाएंगे। यानी सितंबर से ये प्रक्रिया शुरू हो सकती है 50,000 और कांस्टेबल के पदों को लेकर के। जैसा कि इसकी खबर पहले से थी कि 50,000 नई जो है कांस्टेबल भर्ती की जाएगी, 10,000 के आसपास दरोगा भर्ती को लेकर के जो प्रक्रिया चल रही थी वो प्रक्रिया पूरी हो चुकी है, अब 50,000 नई कांस्टेबल भर्ती को लेकर के प्रक्रिया तेज की जा रही है सरकार की तरफ से, उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती प्रोन्नति बोर्ड की तरफ से। तो आगामी आने वाले सितंबर माह तक उत्तर प्रदेश के युवाओं के लिए एक और सुनहरा अवसर मिल सकता है उत्तर प्रदेश कांस्टेबल भर्ती को लेकर के। और भारी भरकम यानी बम्पर भर्ती होगी, 50,000 पदों की भर्ती की जाएगी उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती प्रोन्नति बोर्ड के द्वारा। आई होप ये खबर आप सभी लोगों को अच्छा लग रहा होगा, तो प्लीज़ आप सभी लोग इस वीडियो को जरूर लाइक करिए और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करिए। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट अपडेट के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।